पिछले व्याख्यान में हम लोग मार्क्स का राज्य सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको ये समझाया था कि कार्ल मार्क्स का उद्देश्य शोषणकारी व्यवस्था के मूल आधार को समझना था और उसके प्रतिकार के उपाय सुझाने थे। इसलिए मार्क्स ने राज्य पर उस ढंग से क्रमबद्ध या व्यवस्थित या अलग से विश्लेषण नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी पूंजीवादी विचारधारा की जो आलोचना है उसी के संदर्भ में राज्य का वर्णन भी मिलता है और राज्य का विश्लेषण मिलता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स ये बात मानता है कि शोषणकारी व्यवस्था जो पूंजीवादी व्यवस्था की मूल आधार है और पूंजीवादी व्यवस्था में जो मजदूर वर्ग का शोषण होता है उसका एक ऐतिहासिक आधार है और ये व्यवस्था का जब तक आप नहीं समझ सकते जब तक इतिहास का भौतिकतावादी अध्ययन न किया जाए। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने इतिहास के भौतिकतावादी अध्ययन को पर बल दिया और ये बात कही कि इतिहास में जो भी घटनाएं हैं वो आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का सिर्फ प्रतिबिंबी हैं और इतिहास को जो की घटनाओं को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो आर्थिक कारक ही होता है। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स का कहना है कि अगर हम इतिहास को समझे मानव इतिहास को तो राज्य उस तरह का एक स्वाभाविक संगठन नहीं है जैसा कि प्लेटो और अरस्तु ने माना है। जैसे अरस्तु कहते हैं कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और शिव जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह राज्य कोई एक स्वाभाविक संस्था है जैसी मानना यह स्वाभाविक या नैतिक संस्था है जो यूनानियों ने माना कि राज्य के बारे में कि वे एक नैतिक और एक स्वाभाविक संस्था है। इसके उलट कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि राज्य ना तो नैतिक संस्था है और ना ही स्वाभाविक संस्था है और ना ही आदर्शवादियों की तरह वो इस बात को मानते हैं कि राज्य किसी आध्यात्मिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। उलट मार्क्सवादी तो किसी भी आध्यात्मिक तत्व को ही नकार देते हैं। तो राज्य किसी आध्यात्मिक तत्व को अभिव्यक्त भी नहीं कर रहा है ना ही इसका कोई देवीय स्वरूप है। ना ही उदारवादियों की तरह मार्क्स की बात मानते हैं कि राज्य किसी समझौती की उत्पत्ति है जिसका उद्देश्य जनकल्याण या प्राकृतिक अवस्था में आने वाली असुविधाओं को समाप्त करना है। इसके उलट मार्क्स ये कहते हैं कि अगर हम ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करें तो हमें मानव इतिहास का तो हमें राज्य की उत्पत्ति के कारण को समझ में आएगा। मार्क्स ये कहते हैं कि राज्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, राज्य एक यंत्र है जो हमेशा आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों का एक हथियार है जिसके माध्यम से वे कमज़ोर या संपत्तिहीन व्यक्तियों पर अपना प्रभुत्व जमाए रखते हैं। राज्य की ये जो आलोचना है या राज्य का ये वर्णन है मार्क्स अपने ऐतिहासिक भौतिकतावाद के सिद्धांत के आधार पर इसको कई सिद्ध करते हैं। पहला, मार्क्स कहते हैं कि राज्य बिखरे हुए नागरिक समाज को संगठित नहीं करता, ये एक राजनीतिक अंधविश्वास है कि राज्य सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करता है, जबकि वास्तविकता ये है कि सामाजिक जीवन राज्य को संगठित करता है, राज्य समाज से बाहर नहीं है बल्कि उसकी उपजी है। अब इस चीज़ को जब मैंने आपको राज्य के बारे में उत्पत्ति और राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बताया था तो मैंने आपको कहा था कि समाज को नियम और विनियमों से चलाने के लिए कुछ कानून और कुछ नियमों से चलाने के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी समाज बिना राज्य के नहीं हो सकता। मार्क्स इसके उलट बात कहते हैं कि नागरिक समाज राज्य बिखरे हुए नागरिक समाज को संगठित नहीं करता, राज्य सामाजिक जीवन को व्यवस्थित नहीं करता, बल्कि वास्तविकता यह है कि सामाजिक जीवन राज्य को संगठित करता है, क्योंकि समाज में हमेशा प्रभुत्वशाली वर्ग को एक यंत्र की जरूरत है जिसके माध्यम से वह कमजोरों का शोषण कर पाए और इस रूप में राज्य समाज से बाहर नहीं है बल्कि समाज से ही समाज की ही उपज है। इस रूप में कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि राज्य एक यंत्र है जिसका उपयोग संपत्तिशाली वर्ग
संपत्तिहीन वर्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करता है, और राज्य की पूरी जो मशीनरी है वो संपत्तिशाली व्यक्तियों के ही समूह के ही हितों की सिद्धि करती है। मार्क्स ये मानता है कि मोटे रूप में कोई भी समाज दो वर्गों में बटा होता है, एक संपत्तिशाली वर्ग एक संपत्तिहीन वर्ग, और ये वर्ग का जो विभाजन है वह नया नहीं है और ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा है। मार्क्स अपने ऐतिहासिक भौतिकतावाद की जब व्याख्या करते हैं तब मानव इतिहास के कई चरण बताते हैं, और उसका सबसे पहला जो चरण है वह आदिम साम्यवादी युग है। आदिम साम्यवादी युग वह युग था जब मनुष्य अपने ऐतिहासिक विकास के शुरुआती दौर में था, वे शिकार या कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस युग में कोई ना तो निजी संपत्ति थी और ना ही कोई स्थायी व्यक्ति का निवास था। यही वजह है कि उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं थी, और निजी संपत्ति नहीं होने के कारण वह अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण समानता थी कि समानता की थी, और ना कोई समाज में वर्ग था, और इस वजह से वर्ग समाज में वर्ग संघर्ष भी नहीं था। आदिम साम्यवादी युग से जैसे ही मनुष्य बाहर निकला और अपने भोजन के लिए उसने स्थायी समाधान ढूंढने के लिए कृषि को अपनाया, तो कृषि का युग ही मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युग है, जब मनुष्य के जीवन में एक मानवीय समुदाय के जीवन में श्रम विभाजन की शुरुआत हुई, निजी संपत्ति का उदय हुआ, और निजी संपत्ति के उदय के पारिवारिक व्यवस्था सुदृढ़ रूप में अस्तित्व में आई। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि मानवीय समाज हमेशा से दो वर्गों में बटा था, ऐसा नहीं है। आदिम साम्यवादी युग में जब मनुष्य शिकार और कंदमूल खा के जीता था तब कोई वर्ग नहीं था, पूर्ण स्वतंत्रता और समानता की स्थिति थी, और वर्ग नहीं थे तो समाज में शोषण भी नहीं था, क्योंकि समाज में कोई निजी संपत्ति किसी के पास भी नहीं थी, व्यक्ति का कोई स्थायी आवास नहीं था, सब लोग मिलकर शिकार करते थे या कंदमूल इकट्ठा करते थे और मिलकर एक सामुदायिक जीवन व्यतीत करते थे। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आया कृषि के बाद, जब मनुष्य ने जनसंख्या बढ़ने लगी और कृषि के कारण मनुष्य ने भोजन या खाद्यान्न को अपना आधार बनाया अपने जीवन का, और कृषि को अपनाया, और कृषि की वजह से ही श्रम विभाजन समाज में पैदा हुआ, निजी संपत्ति का उदय हुआ और पारिवारिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। तो कार्ल मार्क्स ये मानता है कि मानव इतिहास के शुरुआती दौर में राज्य नहीं था क्योंकि वर्ग नहीं थे, और वर्ग नहीं थे तो वर्गों में एक दूसरे का शोषण भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण समानता की अवस्था में राज्य की कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि ना तो कोई संपत्तिशाली वर्ग था ना कोई संपत्तिहीन वर्ग था, सबकी साझी सामुदायिक संपत्ति थी जिसको मिलकर वे उपयोग में लाते थे। तो राज्य समाज हमेशा से दो वर्गों में बटा है, संपत्तिशाली और संपत्तिहीन। आदिम साम्यवादी युग को छोड़ दिया जाए तो फिर दास युग, सामंत युग और पूंजीवादी युग में समाज दो वर्गों में बट गया, जिसमें एक वर्ग जिसके पास संपत्ति थी और दूसरे पास संपत्ति नहीं थी, और ये दोनों वर्ग निरंतर संघर्ष में रत रहे हैं, और मानव इतिहास और इतिहास में जो भी परिवर्तन हुआ इन दोनों वर्गों के आपसी संघर्षों के फलस्वरूप हुए हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मार्क्स कहते हैं कि राज्य एक यंत्र है जिसके माध्यम से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, और सर्व कल्याण राज्य का उद्देश्य नहीं है। जैसे यूनानी ये मानते थे कि जनता का कल्याण करना और समस्त जनता का कल्याण करना राज्य का उद्देश्य है, इसके उलट मार्क्स ये मानते हैं कि सर्व कल्याण या जनता का कल्याण करना, लोक कल्याण करना राज्य का ना तो कभी कोई उद्देश्य था और ना कभी होगा, ना कभी हो सकता है। तो जन कल्याण राज्य का उद्देश्य नहीं है, बल्कि राज्य हमेशा एक वर्ग से दूसरे वर्ग पर नियंत्रण, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर नियंत्रण करने वाला एक यंत्र है, ऐसा मार्क्स का मानना है।